भाग्यशाली हैं मैनपुरी के लोग जो उन्हें किस्मत से ऐसे बाबा मिले। बाबा जी कमाल हैं और इनके भक्त प्रो कमाल, यानी किडनी और गॉल ब्लैडर से पथरी बिना चीर फाड़ के निकाल देता है। बाबा जी का पथरी निकालने का तरीका सुनकर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन के संस्थापक अपने कब्र पर कराह रहे होंगे, कह रहे होंगे कि गूंगी बहन भी इतनी जल्दी नहीं बोलने लगी जितनी जल्दी बाबा ने पथरी का इलाज निकाल दिया। चल छैया छैया वाले बंदूक से जन्नत भी इतनी जल्दी नहीं भागता जितनी जल्दी बाबा जी किडनी और ब्लैडर से स्टोन निकाल देते हैं, वो भी बिना चीरा लगाए, नाभि चूसकर। बाबा इतने फेमस हो गए कि इलाज करवाने वालों की भीड़ लग गई। बाबा बगल में रखे एक मूर्ति के पास हाथ जोड़ते हैं और नाभि चूसकर पथरी खींच लेते हैं, और इस शर्तिया इलाज का प्रत्यक्ष लाभ लेने वाले भक्तगण इसे क्या मानते हैं, उनसे भी सुन लीजिए। क्या क्या दिक्कत थी, क्या दिखाने आए थे आप? पथरी। किसको? बाबा जी हैं कोई। अच्छा, क्या करते हैं? पथरी निकालते हैं। हाँ। कैसे निकालते हैं पथरी? थोड़ी से फूंक मार के सूखते हैं पेट पे। हाँ। सूख लेते हैं पथरी। हाँ। फिर निकाल देते होंगे, हमें हम तो पहली बार आ जाए। आपको कैसे जानकारी हुई, कैसे आपको पता लगा? मैं तो यहीं से पता चला कि फेसबुक में मतलब फोटो एक पड़ी है, आपको आगरा का आज निकलवा के गया 3 घंटे की पड़ी है, तो मेरे में भी एक लेडीज वहाँ बैठी है। आपको बाबा जी मिले हैं? हमें मिले ही नहीं अभी। कहाँ है बाबा जी? अब हमें पता ही नहीं कहाँ है। खैर, मैनपुरी के घिघोर गुलालपुर के लोगों ने जब बाबा का कमाल देखा तो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और बाबा सोशल मीडिया के स्टार हो गए। बाबा जी के इलाज को देखकर MBBS FRCS वाले डॉक्टर भी सदमे में आ गए और बाबा को ढूंढने लगे, लेकिन फिलहाल बाबा अंतर्ध्यान हो गए हैं। लेकिन बाबा के टैलेंट को देखकर CMO साहब नाराज हो गए और बाबा पर अंधविश्वास फैलाने और पाखंड फैलाने की बात कर रहे हैं। विरोध के विरोध थाना क्षेत्र के गुलाबपुर गांव का मामला आया है, जिसमें कि एक बाबा जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि इलाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे नाभि पे महिलाओं को चूस के और पथरी निकालने का दावा करता है। क्या है ये? अगर ये दावा कर रहा है तो बिल्कुल गलत है, जनता को भ्रमित कर रहा है और जनता को भ्रमित करके अपना फायदा उठा रहा है। जनता को इस तरह के लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, जो भी क्वालिफाइड प्रशिक्षित लोग हों उन्हीं लोग को दिखाना चाहिए। अगर ऐसा मामला आपके संज्ञान में आता तो उसके खिलाफ भी? नहीं, उसमें तो हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकते मेडिकल एक्ट के तहत, क्योंकि किसी तरह की कोई दवा नहीं देता है। इसमें तो जनता को चाहिए या जागरूक जो भी जनप्रतिनिधि हो कि पुलिस कार्रवाई के लिए उसको करना चाहिए, कि अंधविश्वास फैला के जनता को बरगला के धोखा दे के ये अपना जो है उल्लू सीधा कर रहा है।